तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्ले पे अलार्म है, आपके पास हो सकता है अलार्म है भी नहीं भी है, तो मैं सबके बारे में बता दूंगा और जिसमें डिस्प्ले नहीं है उसमें मैनुअली कैसे चेक करेंगे वो भी बता दूंगा इस वीडियो। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू डायग्नोस एंड रिपेयर द चिलर सिस्टम। चिलर को कैसे हम लोग डायग्नोस करेंगे और कैसे रिपेयर करेंगे अगर कोई फॉल्ट आता है तो। किसी भी ब्रांड का चिलर होगा, चाहे वो यॉर्क का होगा, कैरियर का होगा, या फिर हिटाची का होगा, या एसकेएम का होगा, या डाइकिन का होगा, या ट्रेन का होगा, कोई सा भी कंपनी का चिलर होगा, तो उसमें जो कॉमन फॉल्ट्स क्या क्या आते हैं अगर कहीं पे चिलर बंद हो गया तो हम लोग जाएंगे तो कॉमन क्या क्या चीज चेक करेंगे। अगर कोई कंप्रेसर बंद हो गया तो हम लोगों को क्या चेक करना है नहीं चल रहा है तो, और अगर कोई चिलर पूरा सिस्टम बंद हो गया है तो हम लोगों को क्या क्या चेक करना है। जो भाई हमारे बिगनर हैं, जो काम सीख रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए भी बहुत काम की वीडियो है। जो भाई काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम की वीडियो है, और जो इंटरव्यू देने अगर जाते हैं तो उनके लिए भी काम की वीडियो है जो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो सबके काम आने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें और अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत होगी। तो दोस्तों अभी मैं शुरू करता हूँ, आप लोग बताता हूँ ये जो चिलर है आप लोग देख रहे हैं, मैं हर बार बताता हूँ जो हमारे न्यू व्यूअर हैं उनको भी ये मालूम चले। ये जो चिलर है एयर कूल्ड चिलर है, कैरियर का चिलर है और 30GX इसका मॉडल नंबर है, इसमें स्क्रू कंप्रेसर हैं। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी चिलर होगा तो आप इस मेथड पे काम कर सकते हैं, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये चिलर आया हूं मैं, इसका आइसोलेटर ऑफ है तो क्या करेंगे, ऑन है तो क्या करेंगे, ऑफ है तो कभी भी चालू नहीं करेंगे विदाउट सेफ्टी। हमको सब कुछ चेक करना है, उसके बाद ही चेक करेंगे, हमारे सीनियर को लेके आएंगे, ट्रेनिंग लेके आएंगे, एक्सपर्ट को लेके आएंगे, तभी हम लोग चालू करेंगे। मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। और अगर चालू है, ये बंद हो गया, सिस्टम फेल हो गया है तो हम लोग इसमें आके क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ज्यादातर जो चिलर होते हैं उसमें डिस्प्ले होते हैं और अलार्म शो करता है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिस्प्ले पे अलार्म है, आपके पास हो सकता है अलार्म है भी नहीं भी है, तो मैं सबके बारे में बता दूंगा और जिसमें डिस्प्ले नहीं है उसमें मैनुअली कैसे चेक करेंगे वो भी बता दूंगा इस वीडियो में। यहाँ पे एग्जाम्पल ये अलार्म आया हुआ है सिस्टम बी में, तो ये कंप्रेसर की बात पहले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ इसमें अलार्म पे, तो अलार्म पे मैं गया तो चार अलार्म है, सबको एक एक करके हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। चार अलार्म में से यहाँ पे ले आया तो सबसे पहला अलार्म है 15 नंबर का, किसी में कोड वर्ड आता है, किसी में क्लियर लिख देता है और किसी में अपना अपना कोड होता है। आप लोग जो चिलर का जो बुकलेट होता है उसमें से आप लोग चेक कर सकते हैं ये इस अलार्म का, या फिर गूगल पे भी आता है, वहां पे भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक का बताता हूँ, और चिलर में भी आ जाता है लिख के, जैसे ये 15 आया तो मैंने इस पे एंटर दबा दिया। अभी इसमें लिखा के आएगा लेकिन कभी कभी कटिंग आता है, देखिए सर्किट बी डिस्चार्ज, उसके आगे लिखा है ट्रांसड्यूसर, मतलब सर्किट बी का डिस्चार्ज ट्रांसड्यूसर इसका फेलियर है। इस हालत में हम लोग क्या चेक करेंगे, तो इस हालत में हम लोग डिस्चार्ज का ट्रांसड्यूसर इसका चेक करेंगे, क्लीन करेंगे, रस्टी है क्या है फिर भी काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या चेक करेंगे, कंडेंसर चेक करेंगे, कंडेंसर गंदा है क्या है, अगर फिर भी ये भी अच्छा है तो फिर हम लोग तीसरा स्टेप क्या चेक करेंगे, तो कंडेंसर का कॉन्ट्रेक्टर चेक करेंगे और कंडेंसर फैन को भी चेक करेंगे, कंडेंसर फैन नहीं चलेगा तो भी हाई डिस्चार्ज जाएगा। तो हाई डिस्चार्ज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हमको चेक करनी है, अगर डिस्चार्ज का अलार्म आ रहा है हाई प्रेशर या कुछ का भी। और दूसरा है कॉमन अलार्म जो कंप्रेसर के लिए है, वही आता है कि लो ऑयल प्रेशर या फिर हाई ऑयल डिफरेंशियल या लो ऑयल डिफरेंशियल, इस तरह का प्रेशर आएगा। तो स्क्रू में ज्यादातर डिस्चार्ज से इसका डिफरेंशियल काउंटिंग होता है, तो उसमें हम लोगों को ऑयल का भी ट्रांसड्यूसर चेक करना पड़ेगा, नहीं तो ऑयल का फिल्टर चेक करना पड़ेगा, इसमें ऑयल पंप लगा है वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो जिसमें जैसा सिस्टम है ऑयल से रिलेटेड हम लोगों को चीज चेक करनी है, लेकिन सबसे पहले ट्रांसड्यूसर को क्लीन वगैरह करके हम लोगों को देखना है कनेक्शन वगैरह टाइट करने हैं उसके, और उसके बाद आता है सक्शन ट्रांसड्यूसर। तो सक्शन ट्रांसड्यूसर का अगर कुछ अलार्म आ रहा है या लो सक्शन आ रहा है कुछ भी आ रहा है, तो एक बात और बता दूं, जो हाई डिस्चार्ज ट्रांसड्यूसर का आएगा तो उसमें जब डिस्चार्ज ट्रांसड्यूसर का जो लिमिट होता है उसके ऊपर जब प्रेशर जाएगा तब ये ट्रिप करेगा, और सक्शन का जो ट्रांसड्यूसर का लिमिट लो में आएगा तब ये ट्रिप करेगा। तो सक्शन में मान लीजिए लो सक्शन प्रेशर आ रहा है या सक्शन ट्रांसड्यूसर आ रहा है, तो हम लोग उसमें भी वही चेक करेंगे, ट्रांसड्यूसर के बारे में सब कुछ चेक कर लेंगे, करेक्शन वगैरह टाइट कर देंगे, फिर भी अगर नहीं होता है इधर प्रेशर चेक करेंगे डिस्प्ले में कितना प्रेशर आ रहा है, और अगर इसमें हमको कम लगेगा डाउट होगा तो हम वहां पे मैनुअली चेक करेंगे गेज लगा के, तो हमको मालूम चलेगा कि गेज का सही है लेकिन इसमें शो सही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ट्रांसड्यूसर खराब है।
और अगर सही शो कर रहा है तो ओके, अगर कम शो कर रहा है तो हम लोग उसमें गैस टॉप कर सकते हैं, या गैस बिल्कुल नहीं है तो लीक टेस्टिंग करके हम लोग गैस चार्जिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सेक्शन का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और अगर कुछ और जैसे अलार्म आता है, मान लीजिए कि पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, पूरा चिलर बंद हो जाता है, तो उसमें हम लोगों को तीन चार चीजों का खासा ख्याल रखना पड़ता है। एक तो ये आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये फ्लो स्विच है, वाटर का फ्लो अगर कम होगा, पानी का सर्कुलेशन नहीं होगा इवेपोरेटर में, तो वहां पे ये यहाँ से ये वाटर फ्लो स्विच बंद कर देगा पूरे सिस्टम को, पूरे चिलर को। दूसरा है जो फ्रीज सेंसर है वो उधर लगा हुआ है रिटर्न लाइन में, चिलर जो है अगर फ्रीजिंग सेंसर प्रॉब्लम करेगा या खराब होगा या फिर पानी बंद हो जाएगा जिसके कारण कूलिंग ज्यादा हो जाएगी, आइस आ जाएगा, तो उसके कारण भी वो बंद कर देगा पूरे चिलर को। और उसके बाद अगर आपका ये सेंसर है रिटर्न टेम्परेचर सेंसर और सप्लाई टेम्परेचर सेंसर, अगर इसको आप स्वैप कर देंगे, टेम्परेचर आगे पीछे हो जाएगा, जैसे रिटर्न का टेम्परेचर कम हो जाएगा और सप्लाई का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तो भी ये पूरे चिलर को ट्रिप कर देगा। और एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, सभी चिलरों में एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, जो बाहर का वातावरण होता है, क्लाइमेट होता है कुदरती तौर पे, अगर वो ज्यादा हो जाएगा या आपका सेंसर खराब हो जाएगा तो भी आपका पूरा चिलर वो ट्रिप कर देगा। तो इस तरीके से आप लोग फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, जो कि डिस्प्ले वाले का। अगर विदाउट डिस्प्ले है तो उसमें भी आप लोग डायरेक्ट मैनुअल गेज लगा के, एम्पेरोमीटर लगा के ये सारे प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और बताता हूँ, अगर कंप्रेसर कुछ प्रॉब्लम करेगा, मान लीजिए कंप्रेसर आपका ओवरहीटिंग कर रहा है या फिर आपका कंप्रेसर ग्राउंड हो गया है, चलता रहेगा, पीसीबी खराब होगा या एक्सपेंशन वाल्व का इशू आएगा, तो इन सब चीजों में भी आपका सिस्टम बंद हो। और तो आप लोगों को ये सारा चेक कर लेना है, जब ये जो कॉमन मैंने मेरे में चीजें बताई है ये सब चेक करने के बाद भी अगर नहीं मिलते हैं तो अलार्म के हिसाब से मैंने आपको बताया शॉर्टकट में कि आप लोग कुछ का भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग इजीली उसको चेक कर सकते हैं। अगर कंप्रेसर का इशू है तो कंप्रेसर को सॉल्व करेंगे, ओवरहीटिंग आ रहा है जो भी आ रहा है, कंप्रेसर फेलियर आ रहा है, तो उसमें आप लोग ग्राउंड वगैरह चेक करेंगे तो क्लियर वो सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी जरूरत हो। और मैं हर तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ एचवीएसी से रिलेटेड, चाहे वो स्प्लिट एसी हो, पैकेज एसी हो, या वीआरवी सिस्टम हो, या वीआरएफ सिस्टम हो, हर तरह के वीडियो आप लोगों को मिलेंगे टेक्निकल टाइप से, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का काम हो या कंट्रोल का काम हो, हर तरह का कंट्रोल पैनल वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। इंटरव्यू से रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जॉब से रिलेटेड भी वीडियो मैं बनाता हूँ, थ्योरी भी बनाता हूँ, प्रैक्टिकल भी बनाता हूँ। मेरे चैनल पे आपको हर तरह के वीडियो मिल जाएंगे, इसलिए मेरे चैनल के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।